संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं मल्लेवाला में और आज यहां सुबह 5 बजे घग्गर नदी का बांध है वो टूट गया था और इस बांध टूटने के साथ ही जो पानी है वो बुड्ढा भाना की तरफ जो है रुक किया है। हालांकि बांध के नज़दीक है वो पानी लग गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मल्लेवाला माइनर है जो तिकोना है, क्योंकि बुड्ढा भाना से जो मल्लेवाला रोड जाता है यहाँ पे इधर से टर्न होकर के सफ़ेदों के साथ मल्लेवाला माइनर है, वहाँ पे मिट्टी डालने का कार्य है वो सुबह 5 बजे के बाद से शुरू कर दिया था। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सिरसा के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता और SP उदय सिंह मीणा सहित जो SDM है राजेंद्र सिंह, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जो है यहाँ पे किसानों से बातचीत की जा रही है कि किस तरह से, क्योंकि अब तटबंध है उसको मजबूत किया जा रहा है। हालाँकि जो है पानी का दबाव बुड्ढा भाना और इस बांध पर ना बढ़े, इसको लेकर के जो है मल्लेवाला का जो मेन रोड है यानी कि जो नजडेल और मल्लेवाला का जो सड़क है उसको तोड़ करके जो पानी है वो सहरणी और पुराना नजडेला है उसकी तरफ है वो निकाल दिया है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको कि पानी है उसको निकाल दिया। हालांकि पानी का दबाव है वो यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रैक्टर्स और जो है JCB की मशीन की मदद से जो है बांध को मजबूत है वो किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौके पे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है सिरसा के DC हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अधिकारियों को निर्देश है वो दिए जा रहे हैं कि पूरी तरह से सतर्कता से जो है कार्य करें। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता AR भंबू भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो है तमाम जो किसान हैं यहाँ पे, चाहे बुड्ढा भाना की बात करें, मल्लेवाड़ा और जो बुर्ज भंगू की, क्योंकि यहीं से जो है बुर्ज भंगू का अरकबा भी यहीं से शुरू हो जाता है तिकोने से भी, तो यहाँ पे जो है अधिकारी है वो पहुँचे हुए हैं। और जो सुबह 5 बजे जिस तरह से यहाँ पे करीब बांध है वो खिसक गया था और करीब 100 फीट जो है दरार है वो बंद गई थी, जिसके बाद से जो पानी है वो इस मल्लेवाड़ा और बुड्ढा भाना के जो खेत हैं यहाँ पे, जैसे धान की फसल थी तो वहाँ पे जल भराव है वो पूरी तरह से हो गया है, फसलें हैं वो डूब गई हैं। लेकिन गांव को किस तरह से बचाया जाए उसके लिए जो है बांध मजबूत किए जा रहे हैं। मल्लेवाड़ा माइनर है उससे ऊपर से जो है ट्रैक्टर ट्राली ले जा करके जो है मिट्टी है वो डाली जा रही है। जिस तरह से आज सुबह 5 बजे बांध टूट गया था, इसको बांधने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो है करीबन 10-12 दिन से जो है सिरसा में घग्गर नदी के ऊपर जो है बाढ़ के ऊपर की स्थिति बनी हुई है और ये जो फ्लो था अपना जो है 50,000 ये सुपर का भी जो आंकड़ा हमारे ज़िले में टच हुआ है। तो हमारा प्रयास ये था कहीं भी ऐसे कोई रिपोर्ट होती है तो लोगों के साथ सहयोग के साथ जो है प्रशासन मिलकर जो है उस पर काम करता है। तो आज भी सुबह से जो ब्रिज अपनी आई बुड्ढा भाना और मल्लेवाला के बीच में, उस पॉइंट पर भी जो है सभी हमारे जो है काम चल रहा है, मशीनें हमारी आ गई हैं और अभी जो है बांध का जो लेवल था वो भी रेज किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इस चीज सिचुएशन को हम कंट्रोल कर लेंगे। आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं कि इस पूरे इस मामले की जो रिपोर्ट लेने के लिए कि कहाँ कहाँ कितना क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। सर नहीं, अभी तो कोई फाइनल प्रोग्राम नहीं है जी। तो सर आगे अभी क्या पोजीशन है? हालांकि जल स्तर है वो घट गया था गुलाचिका में भी, सदुलगढ़ में भी, लेकिन पंचकूला में बरसात बताई जा रही है, कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पानी है वो घग्गर में डाला जा रहा है जी। मैं तो अभी जो जल स्तर है हमारे सिरसा में अभी जो है घटना थोड़ा बहुत घटा है, बहुत ज़्यादा रेट से तो नहीं घटा है, पर पीछे जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ी पॉजिटिव है। अब जो बारिश अगर आज पंचकुला में होती है उसको पहुँचने में टाइम लगता है, तो एटलीस्ट जो हमारा पानी बीच का है, गुलाचिका के बाद का है, सरदूलगढ़ का है, ये लेवल घट जाएगा तो हमें थोड़ा जो है स्पेस मिलेगा, थोड़ी हमारी स्थिति बेहतर होगी पानी के चार्ज में। तो आबादी अभी सुरक्षित है सर पूरी तरह से? जी जी, अभी आबादी जो है हमारा प्रयास यही है कि किसी भी आबादी में जो है वो पानी ना जाए और अभी जो है अभी तक किसी आबादी में जो है रिपोर्ट जो है ठीक है प्राप्त हुई। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिरसा के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता, जिन्होंने पूरी विस्तार से जो है जानकारी दी कि किस तरह से सुबह से ही जो है अधिकारी है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा दूँ जो है जहाँ पे किसान हैं जो बड़ी जो ट्रालियाँ लेकर के जो मिट्टी के जो बैग है, प्लास्टिक के बैग है, उनमें मिट्टी भर करके और जो बांध को मजबूत करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर ये मल्लेवाला माइनर है और मल्लेवाला माइनर से चूँकि यहाँ पे जो है, क्योंकि तिकोना बनता है ये बुड्ढा भाना को ये जो रास्ता जाता है, तो यहाँ से जो है इसको मजबूत किस तरह से किया जाए, तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस, क्योंकि यहाँ पे जो है करीब आप देख रहे हैं तस्वीरें जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे करीब 100 फीट की जो दरार है वो आई है, यानी कि बांध है वो एक तरह से खिसक गया है और जो है ये पानी है वो यहाँ पे, हालाँकि बुड्ढा भाना और जो मल्लेवाड़ा के बीच का जो एरिया है यहाँ पे जल भराव है वो हो गया है। हालांकि पानी को
जो है सारनी गांव की तरफ भी तोड़ा गया है, जो मल्लेवाड़ा से नेजड़े इलाका जो घग्गर पुल है उस रोड को तोड़ दिया है, लेकिन जो है अभी मिट्टी है वो डाली जा रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज 5 बजे सुबह टूट गया था लेकिन जो है उसको बांधने का प्रयास नहीं हो पाया, अब बांध मजबूत किया जा रहा है। सर जी मेरा काम बुर्ज बंगुआ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हाँ सर जी ऐसा है, ये इसी बांध की 12 तारीख से मजबूती हो रही है, उसी की हो रही है, उसी पर सरकार ने पूरा सहयोग दिया है, उसकी बदौलत ये हमारा जो बांध है ना ये कंप्लीट हो गया। इतने दिनों में पूरा जो डैमेज पॉइंट था ना उसकी बचाव के कारण हम ये डैमेज पॉइंट पूरा कर पाए, तो साथ में हमारे को ईश्वर का सहयोग हुआ, उसी के साथ ये हमारे को सुबह का टाइम मिल गया। अगर रात का समय होता तो हम संभल नहीं पाते। मंत्री जी का पूरा सहयोग है, चौधरी रणजीत सिंह मंत्री जी हमारे 7 दिन रात रहते हैं, रात को भी चक्कर लगाते हैं, बगैर सिक्योरिटी के भी आते हैं। अब सारा मंत्री जी, आज तक हमने इतना सहयोग नहीं देखा प्रशासन और मंत्री का। पहले होता था हम जाते थे, मैंने फ्लड के 45 साल की उम्र मैंने झेली है, मेरी उम्र 58 के आसपास है, 3 बार हम 3-3 महीने घरों से बाहर रहे हैं, 2-2 महीने हम फ्लड के अंदर बांध पे रहे हैं। पहली बार हमारे के साथ ऐसा हुआ, जितना चौधरी रणजीत सिंह मंत्री जी हमारे बीच में रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, प्रशासन DC साहब SDM साहब जनरल देयर कमेटीज और आसपास के किसान भाई हमारे जो फ्लड के एरिया के और आसपास के आप जैसे पत्रकार भाई हमारे बीच में मौजूद रहकर जितना हमारा सहयोग दिया है इतना हमने कभी नहीं देखा। इससे पहले हम गए थे, पहले मंत्री भी थे और भी थे, इससे पहले 25 साल पहले हम जाते थे, कहते थे मंत्री साहब मौके पर आनी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा आश्वासन देकर हमारे हम वापस आ जाते थे, उसका रिजल्ट हमारे को नेगेटिव मिलता था, हमें को 3-3 महीने घरों से बाहर रहना पड़ता था। ईश्वर का साथ है, चौधरी रणजीत सिंह हमारे मंत्री उनका साथ है, DC साहब हमारे साथ दिन रात रात को भी हमारे से संपर्क रखते हैं, 1-1 घंटा यहाँ पर सारा SDM साहब DC साहब DDPO साहब एंड अंडर देयर जो जितनी भी कमेटियाँ हैं वो सब यहाँ पे मौके पे संभालती है, यहाँ सेक्रेटरी साहब रहते हैं, पटवारी साहब रहते हैं। ईश्वर का सहयोग, आपका सहयोग है, सभी भाइयों के सहयोग से हम आप इस जगह खड़े हैं। अब भी हमारा हौसला बुलंद है, हम आगे भी कामयाब होंगे। धन्यवाद। से 5 बजे सुबह टूटा तो उसके बाद जो है प्रबंध किस तरह के हो पाए, तुरंत हो पाए, किस तरह से क्या? हाँ जी तुरंत हो गए थे, ट्रैक्टर मक्की पोक लेना मशीन आ गई, JCB आ गई, 10-11 का JCB लग रही, तो बहुत सहयोग मिल रहा सरकार वालों। DC खुद ये कितना एरिया होगा जहाँ पे अब जल भराव सुबह हुआ है 5 बजे? ये तो एरिया बहुत है जी, वो अगे बन ला रखे बुढ़े पानी की शेड, इस बंधन से हम बहुत गांव बच रहे, इस बांध रहे नहीं, इस बांध से हमारा गांव बहुत गांव बचा हुआ है, बहुत गांव 25 गांव बराबर, पहले वादा बनी तक 25 गांव बनी तक जाएगा सर, बनी तक चलेगा था जी पानी, ये इसके तुरंत हमारे को मैसेज मिला अलग अलग गांव में अनाउंसमेंट करके तुरंत प्रभाव से यहां आदमी पहुंचे, फार्मर किसान मजदूर जो भी पहुंचे प्रशासन यहां था, सबके सहयोग से आपके सहयोग से ईश्वर के सबके सहयोग से आप हम यहां खड़े हैं जी, आगे भी सफल होंगे। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि यहां पे जो जल भराव हो गया है, ये जो बुड्ढा भाणा का जो रास्ता है जो मल्लेवाड़ा से बुड्ढा भाणा को जाता है, और इस रास्ते पे भी जो है जल भराव पूरी तरह से हो गया, ये मल्लेवाड़ा माइनर है जिसको बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है मिट्टी के प्लास्टिक के जो बैग है उनमें मिट्टी डाल करके या मिट्टी से भरे हुए बैग है वो लगा दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।